उद्योग से भट्टा, इस भट्टे से ईंट ले जाया गया है, हम उनकी मनोव्यथा जानते हैं, उनकी स्थिति क्या है। जी जमालुद्दीन जी बताएं। अब दिक्कत है, लेबर सब हमको घेरे हैं, जाने आने नहीं दे रहे हैं कहीं, जिसका पैसा मेरे वहाँ है और ड्राइवर हैं, आदमी हैं, उनके वहाँ ले जा रहे थे। 1 साल 2019 में हम दिए हैं, 2020 तो पूरा मांगते ही रह गए, नहीं दिए हमको। अब उनकी प्रधानी कार्यकाल भी खत्म हो गया, अब हम इसलिए लेबर हमारे ऊपर ज़्यादा जोर दबा दिए हैं, जो पैसा दीजिए चाहे जहाँ से दीजिए। देखिए, ये भट्टा मालिक जमालुद्दीन जी का कहना यह है कि लेबरों का दबाव इनके ऊपर बना हुआ है, अभी अपना घर बेचें कि खेत कैसे लेबरों का पेमेंट करें। आइए मैं लेबरों से रूबरू करवाता हूँ, जिन लेबरों का पैसा बाकी है। बोले जी, बताइए आप, बोलो क्या जमालुद्दीन के भट्टे पे काम करते हैं आप? क्या नाम है? संजय जी। आपको कितना पैसा बाकी है जमालुद्दीन के पास? क्यों नहीं दे रहा है, क्या कह रहा है? अभी पैसा नहीं हो रहा है। देखिए, इस लेबर का कहना है कि इनका खाना भी रुका हुआ है और इनको पैसा न होने की वजह से एक लेबर की भोजन तक रुक गया है, अब ये क्या करें। आइए दूसरे लेबर से मिलवाते हैं जो जमालुद्दीन जी के भट्टे पे काम करते हैं। बताइए आपका क्या नाम है? आओ है राजा। आपका भी कुछ पेमेंट बाकी है? तो जमालुद्दीन जी से आप पैसा मांगते हैं, क्या कहते हैं जमालुद्दीन जी? मान लीजिए उनको आगे से मिला नहीं है, कहाँ से देंगे? बोलते हैं वो देगा तो देंगे। इस तरह से एक ग्राम प्रधान के द्वारा जो भट्टे के सारे लेबरों के साथ साथ से भट्टे मालिक को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, इस संबंध में देखिए कितना यह परेशानी अवस्था में भट्टा चलाया जा रहा है। आइए मैं ये इनके एक और लेबर से मिलवाता हूँ और इनसे जमालुद्दीन जी का बताया जानता हूँ। जी, आप अपना नाम बताएं। उमा। आप जमालुद्दीन जी के भट्टे पे काम करते हैं? हाँ, करते हैं। आपका घर कहाँ है? जाम नगर। जी हाँ, 50,000 रुपया लिख रहा है, दे रहे हैं, कह रहे हैं वो पैसा देंगे, प्रधान सब देंगे। बात ऐसी बात है, ये देखिए भट्टा बंद होने के कगार पे आ गई है और जहाँ हमारी सरकार उद्योग को बढ़ावा देती है ताकि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, वहाँ इस तरह से गमनकर्ताओं के द्वारा जो जिम्मेदार अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं, इस ग्राम सभा के सेक्रेटरी तेजेंद्र सिंह भी हैं और रोजगार सेवक के भाई पिंटू मदेसिया हैं तथा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हरेंद्र यादव भी हैं, जिनके द्वारा इस तरह से इन तीन लोगों के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि पूरा ईंट उद्योग बाधित हो गया है। हिंद मोर्चा प्रेस के लिए आरके शर्मा की रिपोर्ट। आप यहाँ खड़े क्यों हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप भट्टे पे? यहाँ काम कर रहे हैं तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, मान लिया जाए। यहाँ भूखे मर रहे हैं, लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में भूखे मरे हैं, जब से हैं छत्तीसगढ़ के लेबर हैं यहाँ फंसे हुए हैं। मान लीजिए मालिक भी कहाँ, पैसा क्यों नहीं मिल रहा आपको? मालिक का काम ही नहीं चल रहा, मान लिया जाए। मालिक कहाँ, मालिक भी दूसरे से पैसा मांग रहा है, कहीं डोल रहा है, इधर डोल रहा है, कहीं जुटा के ला रहा है, लेबर है पूरा। मान लीजिए मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 20 घर होंगे हमारे यहाँ पे। जी, 20 घर में मान लीजिए उसमें परिवार भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सब भूखे मर रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं। मान लीजिए कोई किसी का खेती भी नहीं चल रहा है, खेती अपने घर के, यानी कि आप भट्टे पे जितने लोग मतलब कार्यकर्ता मौजूद हैं वो मतलब टोटल स्ट्राइक कर दिए हैं, मतलब काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, काम नहीं कर रहे हैं, भूखे मर के तो कोई काम नहीं कर सकता है, पेट ही जरेगा तो काम कहाँ कर पाएंगे, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहिए उनको, उनको क्या नाम है आपका? अमीर अहमद। यहाँ काम करते हैं आप? हाँ। अच्छा, इस समय काम क्यों रुका हुआ है? पैसा भी ना, पैसा ठेकेदार नहीं दे रहा है। मालिक नहीं दे रहे हैं, आखिर में मालिक क्यों नहीं दे रहे हैं इसका भी? नहीं पा रहे हैं मालिक, अच्छा। पा रहे हैं, मिलेगा तो देंगे, मिलेगा तो देंगे। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग मतलब टोटली स्ट्राइक कर दिए हैं, काम धाम बंद कर दिए हैं भट्टे का? चलिए, काम बंद कर दिए, काम बंद कर नहीं तुड़ल जाए, पैसे नहीं बात कहाँ से तुड़ल जाए? पैसा दी है, बाद में दी है,
चलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाली। बाली, हाँ। क्या समस्या है आपकी? यहाँ ये है कि हम ईंटा ढो रहे हैं, मजदूरी एक साल से हम लोग कर रहे हैं, भोजन के लिए हम बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान है? मालिक आपको पैसा नहीं दे रहे हैं? ईंटा पहुँचा के हम आए थे वो प्रधान के यहाँ, वो पैसा नहीं देना चाह रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। और मालिक क्या कह रहे हैं आपको? मालिक क्या कह रहे हैं? मिलेगा तो देंगे, देंगे मिलेगा देंगे? तो देंगे पैसा। और हम लोग ऐसे मर रहे हैं, हम मर रहे हैं भूखे। आगरा से आए हम लोग, ना पैसा दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। ईंटा पहुँचा के आए थे बुग्गी घोड़ी से, ना पैसा मिल रहा है। हाँ, हम कैसे जाएं यहाँ से? और कैसा जाएं हम लोग? हम लोग को पास साधन भी नहीं है, ना साधन है हमारे पास। हम अपने घोड़ी टांगा को कैसे लेकर जाएं? कैसा जाएं? भूखे मरे जा रहे हम लोग। तो इसीलिए आपके घोड़ी टांगा है, आप लोग मतलब काम को रोक को स्ट्राइक कर दिए हैं।